Everyone agrees on that. Dr. Prasanta Nanda. Thank you, Chairman, sir. Chandrayaan 3 rightly deserve this space and time in Parliament of India, and it has got in Lok Sabha and in Rajya Sabha also. Sir, all that you are seeing, that the gallery was full, or the people everywhere in this country must be seeing this academic discussion of our Rajya Sabha regarding Chandrayaan 3 to listen about the total story of Chandrayaan 3 from 1962 till today. And in that deliberation, they must have been happy by listening to Srimati Nirmala Sitaraman ji and Jairam Ramesh ji, and also other people. Lekin is baatcheet mein, ye total debate mein, kon kisi ki nani ko yaad karane chahte the, humko nahi malum. पर हमें इतना मालूम है कि मुझे अपनी माँ याद आ गई। 74 साल पहले जब मैं खाना नहीं खाता था, मेरी माँ मुझे छत के ऊपर लेके जाती थी और कहती थी, बेटा मामा को देख ले, खा ले, नहीं तो मामा गुस्सा हो जाएगा, वो घर नहीं बुलाएगा। मैं खाना खा देता था लेकिन घर नहीं बुलाते थे मामा, कभी घर नहीं बुलाया। और इसी दुख को दूर करने के लिए जो 62 साल से शुरुआत हुई, वो 23 अगस्त 2023 को हो गया। और ऐसा हुआ, जो निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी कि 100 वीमेन साइंटिस्ट, मैडम वो 100 साइंटिस्ट नहीं थे, 100 माँ थे। 100 माँ थे जो लाखों करोड़ों माँ को उनका वादा पूरा करा रहे थे, और उनका वादा पूरा हो गया। अब यहां हमको सिर्फ बोलना है उसी के बारे में, उन्हीं के बारे में। कौन किधर है, कौन पावर में है, कौन पावर में नहीं है, इसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है। भाई देखिए, सीधी सारी बात है, एक रिले रेस चल रही है 4x400 meters। अब 4 आदमी भाग रहे हैं, जो फास्ट होता है, लेकिन ओलंपिक में मेडल मिलता है तो चारों को लेकर खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं सबको मेडल मिलेगा। तो 62 से लेकर अब तक जितने साइंटिस्ट, जितने प्राइम मिनिस्टर इस पे लगे थे, मेरे हिसाब से सबको एक एक मेडल चाहिए। दे डिजर्व इट। और ये भी मैं बोलना चाहता हूं, आज अगर इसरो में जितने हैं उसमें 16,000 फीमेल्स हैं, काम कर रहे हैं, मां हमारे हैं। और इसीलिए इसी सोच में आकर हम सोच रहे हैं, क्यों ना लोकसभा में और क्यों ना राज्यसभा में वो भी उतनी संख्या हमारे लेडीज आ जाएं, हमको चाहिए। अब अगर डबल इंजन की बात करते हो तो डबल इंजन यही होगा कि एक इंजन पुरुष है, दूसरा इंजन स्त्री है। अगर ये दो इंजन काम करेंगे तो ये और बहुत बढ़िया होगा। सर, मेरा तो ज्यादा टाइम नहीं है, बोलने को बहुत दिल करता था और सुनने को भी ज्यादा दिल करता था, इसीलिए बैठा हूं मैं। बोलने का यह है कि देखिए, हमको आज यह है कि देखो, इतना पैसा तभी मिलता था और आज हम ज़्यादा पैसा देते हैं। भाई मेरे पिताजी 30 रुपया उनको तनख्वाह मिलता था, हम आराम से खाते पीते थे, और उतना आराम करने के लिए अपने आज को 3 लाख रुपया लगेगा।
तो डिवैल्यूएशन हुआ है पैसों का, तो पैसों का बात ना करें, दिल का बात करें और अक्कल का बात करें। अक्कल का बात करें तो 60 नहीं 6000 साल पहले जो इंडियन वनवास करते थे, जो साधु थे, जो संत थे, वो भी साइंटिस्ट थे, और आज भी जो है वो भी साइंटिस्ट है, सब साइंटिस्ट है। कोई किसी को कोई पैसों की जरूरत नहीं है, उनको एकाग्रता की जरूरत है, और जितनी एकाग्रता देश उनको चाहता है तो उनसे उन्होंने हर काल दिया है। हमको वेद दिया है, उन्होंने उपनिषद दिया है, गीता दिया है, और आज चंद्रयान भी दे दिया। वही साइंटिस्ट लोग हैं, उनका नाम बदल गया है लेकिन उन्होंने ही दिया है। और इसमें मेरा इतना कहना है कि हम आए हैं ओडिशा से, सबको लगता होगा ये छोटा एक है, छोटा, इतना बड़ा नहीं है, पर है, हमारा भी इसमें कोई हम साझेदारी है। और हमारा भी सुन लीजिए कहानी कि हम भी इस यात्रा में कैसे जा रहे हैं। सर, दिस ओडिशा के बारे में जब बोल रहा हूँ, 1984 में ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ORSSC, द अपेक्स बॉडी ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड 1984 सर। अलॉन्ग विथ स्पेस टेक, ओडिशा इज इन्वॉल्व इन IT प्रोजेक्ट्स लाइक रिमोट सेंसिंग, GIS एंड GPS बेस्ड प्रोजेक्ट्स, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो रन्स ग्रामसैट एंड एडुसैट। देन आई एम टेलिंग यू, इन 2017 ओडिशा गवर्नमेंट फॉर्मली नेम्ड द आउटर व्हीलर आइलैंड इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा आज APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, उसका नाम दिया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड एज ए ट्रिब्यूट टू द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑन हिज सेकेंड डेथ एनिवर्सरी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक सर, एक मिनट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक हैड अलर्टेड द हिस्टोरिक व्हीलर आइलैंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कलाम इन 1993। कलाम हैड वंस डिस्क्राइब्ड द व्हीलर आइलैंड एज हिज थिएटर ऑफ एक्शन। ही सेड इट इज माय थिएटर ऑफ एक्शन। कलाम ऑल्सो प्लेड ए की रोल इन एंश्योरिंग दैट द आइलैंड इन नेस्टिंग ग्राउंड फॉर द एंडेंजर्ड ऑलिव रिडली टॉर्टोइस रिमेंड सेफ बाय चेंजिंग द इल्यूमिनेशन स्ट्रक्चर। और लास्ट में इतना है, हम उड़ीसा के लोग इतना चाहते हैं कि ये हम कर सकते हैं, क्या है ना, इफ एवरीथिंग वॉज वेल, ए मेड इन ओडिशा मिनिएचर सैटेलाइट क्यूब सेट विल सून सपोर्ट द स्टेट इन मैनेजिंग नेचुरल कैलामिटीज लाइक साइक्लोन एंड एनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी। जिस साइक्लोन से हम लड़ रहे हैं, साल में 10 बार लड़ रहे हैं, उस साइक्लोन को, उसके लिए जानकारी के लिए वो जो सैटेलाइट होगी ये ओडिशा की अपनी होगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम भी ये जो यात्री है, ये जो सफलता है और ये जो गोल्ड मेडल सब लोग लेकर लेने के लिए खड़े हैं, उसमें हमारा भी शामिल है, ओडिशा का भी। हमने भी कुछ प्रतिदान दिया है, ओडिशा के औरतें भी कुछ प्रतिदान दिया है। और इसी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा समय नहीं है, फिर भी इतना याद रखिए, ये एक नेशनल गर्व है। दिस इज अ प्राउड ऑफ आवर नेशन। दिस इज द डे ऑफ द साइंटिस्ट हु हैव मेड इट। सो प्लीज कंक्लूड। आई एम क्लोडिंग, दिस इज अ कंक्लूडिंग चैप्टर है क्या? अभी मैं ये बोलता हूँ, अभी ये हो गया तय कि आज हम गर्व से छाती उठा के बोल सकते हैं कि कितने देश है जिसमें हमको बोल सकते हैं इंडिया इज नॉट प्रशांतानंद कंपेरेबल टू अदर साइंटिस्ट। थैंक यू, वी कैन एंड वी से दैट हमारा जो अगले जो है गगनायन है या हमारा जो आदित्य है वो भी आएगी और वो भी करके दिखाएगी इंडिया क्या चीज है। उस दिन के लिए इंतजार करें। जय जगन्नाथ। नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर M. Thambidurai।